क्या कल हेल इन अ सेल में ड्रू मैकइंटायर बन जाएंगे न्यू WWE चैंपियन और बियांका ब्लेयर क्या डिफेंड कर पाएंगे अपने स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप अगेंस्ट बेली और फिंड क्या रिटर्न करेंगे और इंटरफेयर करेंगे ड्रू मैकइंटायर एंड बॉबी लैशली के मैच में और हेल इन अ सेल के हाइलाइट्स एंड रिजल्ट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, चैनल पर न्यू है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कल हेल इन अ सेल के जो पहला मैच हमें देखने मिलेगा वो होगा बिटवीन सेसारो वर्सेस सेथ रॉलिंस और मुझे लगता है इन दोनों का यही फाइनल मैच होगा, यही फाइनल चैप्टर होगा इन दोनों की राइवलरी का। इसके बाद मुझे भी लगता है कि दोनों ही दूसरे डिफरेंट पाथ में चले जाएंगे या फिर दूसरे सुपरस्टार के साथ राइवलरी में घुस जाएंगे और मुझे लगता है इस फाइनल चैप्टर में हमें एक बढ़िया मैच तो साथ में साथ देखने को मिलेगा। और इस मैच के अगर हम विनर की बात करें तो मुझे लगता है इस मैच में सेसारो ही जीतेंगे क्योंकि सेथ रॉलिंस तो अभी बहुत एस्टेब्लिश सुपरस्टार है और सेसारो को WWE बहुत अच्छी तरीके से पुश कर रही है और मेरे ख्याल से इस मैच में सेसारो को ही जीतना चाहिए। नेक्स्ट मैच हमें जो देखने को मिलेगा वो होगा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए और ये मैच होगा बिटवीन रिया रिपली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। तो आफ्टर रसलमेनिया रिया रिपली का रन मुझे भी लग रहा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा लेकिन बहुत ही बोरिंग जा रही है रिया रिपली की रन और उसकी वजह खुद रिया रिपली नहीं है, उसकी वजह WWE की बुकिंग। क्योंकि आप एक ही मैच अगर रिपीटेडली करते रहोगे, जैसे लास्ट पेपरव्यू में WWE ने अपने वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल सीट मैच रखा था और उस मैच में भी शार्लेट फ्लेयर थी और इस बार फिर से इस मैच में भी शार्लेट फ्लेयर है, तो मतलब सेम टाइप मैच अगर मैं एज अ फैन देख रहा हूँ तो मैं क्यों देखूँ सेम टाइप मैच सेम पर्सन और सेम चैंपियनशिप के लिए। तो यही पे रॉ का सारा मसला है क्योंकि स्मैकडाउन में ऐसा होता नहीं। और बात करें अगर इस मैच की तो मुझे भी लगता है इस मैच में रिया रिपली और शार्लेट फ्लेयर के बीच में एक रिजल्ट तो निकलेगा और मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में रिया रिपली हरा देगी शार्लेट फ्लेयर को और रिटर्न कर लेगी अपना रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट मैच हमें शो पे जो देखने को मिलेगा वो होगा स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए और वो ये होगा बियांका ब्लेयर वर्सेस बेली और ये होगा हेल इन अ सेल मैच। तो मतलब ये दोनों फाइट करेंगे इनसाइड हेल इन अ सेल। मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने में कि बियांका ब्लेयर कैसे सर्वाइव कर पाती है इनसाइड हेल इन अ सेल क्योंकि बियांका ब्लेयर का पहला मैच होगा इनसाइड सेल। और इस मैच के अगर हम राइवलरी की बात करें तो रेसलमेनिया से पहले बियांका ब्लेयर वर्सेस बेली का एक छोटा सा राइवलरी चला था जहां से बियांका ब्लेयर को मोमेंटम मिला था और वहां पे बियांका ब्लेयर ने हरा दिया था बेली को और वो बस एक क्या बोलूं मैं दो तीन हफ्ते का ही वो मोमेंटम था या दो तीन हफ्ते का ही वो राइवलरी था। लेकिन जब से यहाँ पे बियांका ब्लेयर चैंपियन बने बेली की भी नजरें है स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए और फाइनली बेली को मौका मिल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली जैसे कई लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर बेली मैच को जीतेगी लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर बेली का जीतने का कोई चांस है क्योंकि बियांका ब्लेयर का चैंपियन होना बस एक दो महीने ही हुआ है और मुझे नहीं लगता इतना जल्दी WWE बियांका ब्लेयर से टाइटल छीन लेगी। और इस मैच के अगर हम रिजल्ट की बात करें तो मुझे लगता है इस मैच में बियांका ब्लेयर हरा देगी बेली को और स्टिल बनी रहेगी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। नेक्स्ट मैच हमें जो शो पे देखने को मिलेगा वो भी होगा एक वुमेन्स का मैच और ये होगा एलेक्सा ब्लिस वर्सेस शायना ब्लेजर और मुझे नहीं पता कि एलेक्सा ब्लिस मतलब डरावने कैरेक्टर में कैसे फाइट करेगी और ये मैच किस तरीके से WWE करना पसंद करेंगी। और अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो मुझे नहीं लगता शायना ब्लेजर को कोई परेशानी होगी यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस को हराने में और इस मैच की रिजल्ट WWE इस टाइप से बूस्ट कर सकती है कि यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस की जो डॉल है उसकी मदद से एलेक्सा ब्लिस इस मैच को जीत जाए। यहाँ पे डॉल पे कोई शक्ति की वजह से यहाँ पे कोई क्या बोलूं मैं डरावनी चीजें की वजह से शायना ब्लेजर डर जाए यहाँ पे इस तरीके से कुछ WWE एंडिंग करेगी और मुझे नहीं लगता एलेक्सा ब्लिस को यहाँ पे WWE लॉस देगी क्योंकि पता नहीं एलेक्सा ब्लिस किस टाइप का कैरेक्टर निभा रही है। मतलब दूसरा फिंड लग रहा है लेकिन वो वाली फीलिंग्स भी नहीं है और वो वाली ढंग से उनको बुक भी नहीं किया जा रहा है। यही है कि एलेक्सा ब्लिस इस मैच को जीतेगी। नेक्स्ट मैच हमें शो पे जो देखने को मिलेगा ये होगा केविन ओवेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस और ये भी होगा इनसाइड हेल इन अ सेल मैच और मोस्ट प्रोबेबली ये मैच हमें देखने को मिलेगा एक फाइव स्टार क्लासिक टाइप मैच और इस मैच में बहुत ही बढ़िया हमें फाइटिंग देखने को मिल सकती है दोनों की तरफ से क्योंकि राइवलरी जब भी WWE लेके आती है तभी वो यहाँ पे ऐसा कर देती है कि इस राइवलरी को एक गोल्डन राइवलरी में कन्वर्ट कर देती है
और मुझे भी लगता है मैच बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है इनसाइड हेल इन ए सेल और काफी आपको समय इस मैच में देख सकते हैं मिल सकता है। और इस मैच के अगर हम विनर की बात करें तो मुझे भी लगता है यहाँ पे केविन ओवेंस इस मैच को जीतेगी और वो हराएंगे यहाँ पे सैमी ज़ेन को और उसके बाद वो जा सकते हैं सीधा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो देखते हैं इस मैच में केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन का परफॉर्मेंस कैसे रहता है। और शो की मेन इवेंट की अगर हम बात करें शो की मेन इवेंट में मैच में मिलेगा WWE चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकइंटायर वर्सेस बॉबी लैशली इनसाइड हेल इन ए सेल और ये ड्रू मैकइंटायर का आखिरी अपॉर्चुनिटी होने वाला है फॉर द WWE चैंपियनशिप। इसके बाद उनको कोई मौका नहीं मिलेगा तो कई बेटिंग ऑर्डर्स का भी यही मानना है कि ड्रू मैकइंटायर के पास एक चांस है WWE टाइटल छीनने का बॉबी लैशली के पास से। लेकिन मुझे नहीं लगता WWE बॉबी लैशली के पास से अभी WWE चैंपियनशिप छीनेगी क्योंकि बिफोर रेसलमेनिया भी WWE यही राइवलरी कर रही थी ड्रू मैकइंटायर वर्सेस बॉबी लैशली और उसको खींचते खींचते 6-7 महीने आज हो चुके हैं और उसको अभी भी खींचा जा रहा है मतलब अलग ही जोन पे जा रही है WWE। और मुझे लगता है हर चीज का एंड होता है और यही होगा इस फ्यूड का एंड कि यहाँ पे बॉबी लैशली हरा देंगे ड्रू मैकइंटायर को रिटर्न कर लेंगे अपना WWE चैंपियनशिप। और इस मैच की एंडिंग इस टाइप के कुछ हो सकते हैं कि यहाँ पे अचानक से फीन्ड आ जाए और फीन्ड यहाँ पे अटैक कर दे ड्रू मैकइंटायर के ऊपर और उसके बाद से बॉबी लैशली को यहाँ पर थोड़ा फायदा हो और पिन कर ले यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर को और रिटेन कर ले अपने WWE चैंपियनशिप क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स फीन्ड भी बहुत जल्दी आने वाले WWE में रिटर्न। तो परफेक्ट टाइम होगा अगर फीन्ड इस टाइम पे हेल इन अ सेल में अपने रिटर्न करते और अटैक कर देते ड्रू मैकइंटायर के ऊपर और काफी बढ़िया मुझे लगता है राइवलरी बन सकती है ड्रू मैकइंटायर एंड फिन के बीच में क्योंकि फिन को भी एक तगड़ा ओपोनेंट चाहिए इतने महीनों बाद। तो देखते हैं क्या फिन अपना रिटर्न करते इनसाइड हेल इन अ सेल। तो यही तक थी हेल इन अ सेल के हाइलाइट्स एंड रिजल्ट्स। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।